वशिष्ठ नगर थाना पुलिस और वन विभाग ने रविवार को संयुक्त रूप से पोस्ता उन्मूलन अभियान चलाकर वन भूमि तथा गैर मजरूआ सरकारी भूमि एवं रैती भूमि में लगे 6 एकड़ में ललाहती पोस्ते की फसल को नष्ट किया। इसका नेतृत्व अंचलाधिकारी मिथिलेश कुमार, थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने किया। इस दौरान थाना क्षेत्र के छगरतरी जुटाहा कोलवा एवं पोस्तिया के पहाड़ी क्षेत्र में लगे बड़े पैमाने पर पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने कहा कि पोस्ते की अवैध खेती नहीं करें, इससे आने वाला पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अफीम खेती रोकथाम के लिए जिला स्तर के वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान चलाकर खेती नहीं किए जाने की सख्त मनाही की गई। इसके बावजूद इलाके में छिटपुट स्थानों पर पोस्ता की खेती की गई। इस तरह की प्रतिबंधित फसल की खेती करने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान हो जाने के बाद NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस अभियान में अवर निरीक्षक दीपक रजक तथा वनरक्षी अमित रंजन, मिस्टर जिन्नू, संदीप सिंह, सुधीर सिंह, दीपक गुप्ता, नीरज कुमार, टाउफिल बाड़ा के अलावे सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पोस्ता उन्मूलन अभियान चलाया गया था, ये किस किस क्षेत्र में चलाया गया? थाना क्षेत्र के आज हम लोग थाना प्रभारी जोड़ी एवं वन विभाग के संयुक्त अभियान के तहत हम लोग कोलुआ और इसके बाद है जो कि पोस्तिया जुट्ठा झगराही फॉरेस्ट एवं नन फॉरेस्ट जगहों पर है जो कि हम लोग डिस्ट्रॉय किए। कुल कितना एकड़ में सर किया गया सब मिला करके? लगभग 6 एकड़ के आसपास होना चाहिए। इसके बाद आगे कार्रवाई सर इस पर है जो कि हम लोग लोकेट कर रहे हैं, कर्मचारी एवं अमीन को निर्देशित किए हुए हैं और वन विभाग के द्वारा भी उनको कहा गया है कि आप भी अपना जिनके द्वारा खेती की गई है उसको पता लगा कर रहे हैं कि उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।